जेके चैनल रामनगर में आपका स्वागत है और मैं हूँ राहुल शर्मा। तो आज इस समय हम मौजूद हैं रामनगर के पहाड़ी क्षेत्र शतरेड़ी गांव में। तो हमारे साथ एक व्यक्ति है, इनसे बात करते हैं। इनका कोई मसला मिसाइल था जिसकी वजह से पूरे मोहल्ले को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, तो इनसे बात करते हैं। जी सारे को पहले तुम्हारा नाम क्या है? सर मेरा नाम ओम प्रकाश है। मैं माधर हूँ, वार्ड नंबर 8 जनाब के साड़ा इतने स्कूल का मसला है। स्कूल की बिल्डिंग है सर, उदा एक बिल्डिंग है साड़ी, वह भी सर डैमेज की जाती है। वह चार्ज बखाजे का बाहर दिता जाता। बाकी एक और जनाब उदा कश एक पलंथ भरोसा सर, दो कमरे है स्कूल की बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग का सर वो पलंथ सर तोड़ी ताड़ी है। वह इटा जड़िया वो इतने बनता मणि राम वो सर अपने घर ही ले जाओ। तो असें अगर जिसलै एजुकेशन जो टीचर इतने मौजूद ने उन्हें असें आख्या कि जनाब इं जो मसला होइए इतने जनाब स्कूल की बिल्डिंग की डैमेज किया गया, बाकी सारिया इटा जनाब जो अपने घर ही लेइए। वो सर टीचर साहब जिसल आए नहीं थे उनका घर गए, उल्टा उन्हें उन्हें थ्रेट मारिया कि जगह जमीन साड़ी है, अस स्कूल की डैमेज करी सकने, अस जो भी मर्जी कर। पहले जी जमीन इन्हें स्कूल की दी है सर कोई 15-20 साल हुई है जी। हूँ सर ये गवर्नमेंट की 10 मरले जगह जी है, गवर्नमेंट के अंडर हुई, गवर्नमेंट का नाम हुई है। बाकी वह बाद सर इन्हें शरारती जी रोजाना करते होंगे, कहते हैं सर 2-3 महीने तो बाद जो ताला तोड़ दें और फिर पूरे ग्रां की इन्हें मतलब वजह करना सफर करना पौंदा कि पूरे असें ग्रां कट्ठा करना पौंदा इंदी वजह करना। और स्कूल की जी डैमेज इन्हें हर दिन जो कोई ना कोई नुकसान किया हों। हूँ सर एक बिल्डिंग अगर पहले गए फटी त्रुटी है, असें स्कूल जो अटैच किया गया हशतरैड़ी हाई स्कूल कन्नै, अस गवर्नर साहब को गए उत्थे असें स्कूल की सी दोबारा इतने अगे कराया। उसके बाद सर स्कूल की जी टीन जी बड़ी बुरी कंडीशन कन्नै मतलब उड़ी दी ही, उपर असें लोकें सारे ग्रां कट्ठे होइए वह उपर असें स्कूल टीन की थोड़ा उसी पाया। फिर सर उसके बाद भी इन्हें सर उसके बाद 2 महीने पहले की गल है, जो कमरा रहा वो सर सारे इटा जोड़ा तोड़ी ताड़ी है सर, पूरा पलंथ तोड़ी है अपने घर लेइए सर अपने मकान की लाते। स्कूल पहले कितनी देर पहले क्लब होया सर? मैं कोई 1.5 साल ही है दोबारा सर, 1.5-2 साल ही है जो सरकार ही इतना सरकार ने आख्या कि इतने बच्चे जो घट्ट और इसी अस इतने दोबारा इतने अंगेज नहीं कर सकते हैं अटैच के दौरान। फिर सर जो गवर्नर साहब आए सत्यपाल मलिक साहब अस उनके कोल गए थोड़े अपडेट लेइए, उनके कोल असें दोबारा इसी कि साढ़ा इतने कोई 4 किलोमीटर का फैसला बनता है और 6 साल का या 5 साल का बच्चा जो हाई स्कूल में 4 किलोमीटर का एक एरिया नहीं जा सकता, बिच जंगल आता सर, रस्ता दूर है, ढक्की भी है, चढ़ाई है बिच, उसकी वजह करना सर गवर्नर साहब ने साढ़े उपर थोड़ी मेहर करिए असं स्कूल जो सा वापस किया अंगेज किया गया। हूँ सर अस गवर्नमेंट कन्नै प्रशासन कन्नै CEO साहब कन्नै या DC साहब कन्नै रिक्वेस्ट करने कि जेहड़े साड़ा पलंथ भरोसा डैमेज किया गया ये खिलाफ सर सख्त कोला सख्त कार्रवाई की जा और साढ़े स्कूल की जी है मतलब सेफ्टी दूर हुई है, ये जी बिल्डिंग उन्हें तोड़ दी है बिल्डिंग बनाई जा इतने, बाकी जेहड़े भी यदि कोई खिड़कियां या जी कैंस सर दोबारा साड़ा स्कूल का जो पलंथ वगैरह भराया जाए। इन बच्चे सर को प्राइमरी स्कूल और एक टीचर इसलिए बिल्डिंग टोटली इन्हें डैमेज करी टोटली सर जो नवे बना था सर वह बिल्कुल डैमेज किया इटा सर घर लेइए, दूई बिल्डिंग है जो भी चार्ज पखा सारी बाड़ देइए रखा था कि अंदर स्कूल का कुछ ही जाने देंगे। और रोड जगह सड़क बन दी सर नरेगा दड़क बन दी इन्हें उद्दे भी रस्ते डेली बंद किए होंगे, लोगों के माल जिंद गौ माता जिंदा गवं जिंदा डंगर जिंद कोई खच्चर जिंदियां इन्हें सर रोज़ झल देइए उन्हें रस्ते बंद किया होंगे, रोज़ लोगों कन्नै सर लड़ाइया होती हैं। बिल्कुल मैं कैमरामैन की आखना चाहगा कि स्कूल का थोड़ा दृश्य दसन, रोड को थोड़ी दूर ही है स्कूल ते जियां के इत्थों दे जिहड़े स्थानीय लोग न कि ना कि सुनाया तुसीं अपना? मेरा नाम सर ओम प्रकाश। ओम प्रकाश होर पूरी गल सुनाई, इत्थों दे एक स्थानीय व्यक्ति ने उंदे द्वारा स्कूल की डैमेज किया जाता दे बच्चे की स्ट्रेंथ भी लगभग 15 के करीब है, मगर काफ़ी इन द्वारा अस गल भी की मगर अं तक कोई हल नहीं निकलिया है सर। नहीं अस CEO साहब को भी गए पहले भी उन्हें आख्या कि साड़ी बिल्डिंग की हालत जी बड़ी खराब है, लेकिन वो बावजूद काम नहीं होने के बावजूद भी जी दूई सर जो पलंथ भरोसा है वो भी डैमेज करूड़े सर सारिया इटा जी तोड़िए घर लीजिए अपने। कुल मिला के यही बात आती है कि एक स्थानीय व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है कि उसके द्वारा स्कूल की बिल्डिंग को डैमेज किया गया है, तो इनके द्वारा भी सरकार से अपील की है कि उस व्यक्ति के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।